गुड आफ्टरनून किड्स। गुड आफ्टरनून सर। यहाँ देखो ये वॉचेज बनी हुई है, इसमें सर कितने बज रहे हैं? यहाँ पे सात बज के 25 मिनट। यहाँ पे 8 बज के 15 मिनट। ओके, यहाँ पे 9 बज के 10 मिनट। यहाँ पे 9 बज के 25 मिनट। यहाँ पे 12:10। कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं एग्जैक्ट। ठीक है, अब देखो वो क्या बोल रहे हैं कि राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय द हैंड्स एट दीस टाइम्स, आल्सो राइट द टाइम। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी बज रहे हैं, जैसे यहाँ पर कितने बज रहे हैं, 7 बज के 25 मिनट, तो यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है? ये न्यून कौन बन रहा है ना? ये क्या बताया, जब भी कभी एक एंगल ये वाला है, ठीक है, एक एंगल ये वाला है और एक एंगल ये वाला है, जब भी कोई लाइन इस सेंटर से बाहर की तरफ जाती है तो कौन सा कोण बनता है? न्यून। अधिक। जब भी इस लाइन से अंदर की तरफ कोई लाइन आती है तो कौन सा कोण बनता है? न्यून। और ये सम। तो यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है? न्यून। ठीक है, यहाँ पर देखो कितने बज रहे हैं ये? 8 बज के 15 मिनट। कौन सा कोण बन रहा है? अधिक। अधिक। कौन सा? अधिक। अधिक। यहाँ पर कितने बज रहे हैं? अधिक। 9 बज के 10 मिनट। 10 मिनट। क्या बन रहा है? अधिक। 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 यहाँ पे न्यून। क्या कितना बज रहा है? 9 बज के 25 मिनट। 9 बज के 25। ध्यान से देखो कौन सा कोण बन रहा है? अधिक। अधिक बन रहा है ना? ये देखो ना, ये इस लाइन को देखो ना तुम, ये और ये देखो, यहाँ पर कौन सा कोण बनाए? न्यून। अधिक। यहाँ पर ये देखो न्यून। न्यून। कितने बज रहे हैं? 10 बज 10 ही बज रहे हैं बस। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा था? अधिक। ठीक हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन दे मेक एन एंगल व्हिच इज लेस देन अ राइट एंगल आल्सो राइट द टाइम। आपको क्या करना है, राइट एंगल से कम मतलब समकोण से कम, समकोण से कम कौन सा कोण होता है? न्यून कोण। तो न्यून कोण बनाना है हमको, हमको और टाइम भी लिखना है। तो यहाँ पर कोई बच्चा बना सकता है, जैसे कि ये पता चले कि टाइम भी दिखना चाहिए कुछ और न्यून कोण भी बनना चाहिए। बनाओ, बना के दिखाओ, इस पर बना के दिखाओ। वेरी गुड। कितने बज रहे हैं? 9 बज के 35 मिनट। वेरी गुड, 9 बज के 35 मिनट। एक बच्चा और बनाओ, और बनाओ, इसमें दिखाओ। अब कितने बजे? 8 बज के 35 मिनट। हमेशा यह ध्यान रखना है कि जो घंटे वाली जो सुई होती है, जो आवर वाली जो क्लॉक है, वो छोटी होती है सुई। ठीक है, आवर वाला जो हैंड होता है, जो मिनट वाली जो सुई होती है, वो क्या होती है? हमेशा लंबी। और घंटे वाली क्या होती है? छोटी। तो ये वाली क्या बनानी थी? छोटी। ठीक है, 8 बज के 35 मिनट। यहाँ पर एक और बनाओ, लो बनाओ। कितने बज रहे हैं? फिर दोनों देखो, बड़ा दोनों देखो, तुमने एक जैसे बना दिए। सही करो इसको, घंटे वाली सुई मैंने क्या बोला? छोटी बनानी है। सर ये 10 भी नहीं दिख रहा, ये एक दिख रहा। सर वो एक दिख रहा, गलत कर दिया। अरे दूसरी जगह पे बनाओ इसी को, इसी पे दूसरी जगह पर बना दो, कहीं पे दूसरा टाइम, दूसरा टाइम बना दे, यहाँ पर ही बना दे। घंटे वाली सुई छोटी बनानी है और मिनट वाली बड़ी बनानी है। हाँ ये ठीक है, हाँ अब ठीक है। कितने बज रहे हैं ये? 8 बज के 35 मिनट। ठीक हो गया, समझ आई? Yes, sir.